yesterday we discussed conveyance expense, and as Fatima said, sir, you gave a one line statement about conveyance expense. तो हम वहीं से स्टार्ट लेते हैं. कन्वेंस एक्सपेंस और ट्रैवलिंग एक्सपेंस को स्टूडेंट मिक्सअप ना कर दे, इसलिए मैंने यहाँ एक स्टेटमेंट दिया कि ट्रैवलिंग जनरली आउट ऑफ सिटी होती है, आउट ऑफ कंट्री होती है, ठीक है. और जो कन्वेंस एक्सपेंस होता है ना, वो विद इन सिटी, जब आप अपने ऑफिस के कामों के लिए कहीं किसी को भेजते हैं, किसी एम्प्लॉय को, तो आप उसको कन्वेंस चार्जेस देते हैं, ठीक है. ये मैंने कल एक लाइन का स्टेटमेंट दिया था. और कन्वेंस एक्सपेंस क्या है, अब चाहे वो चिंगची में जाए, चाहे वो अपना ऊबर में जाए, चाहे वो करीम में जाए, चाहे वो बाइकिया पे जाए, चाहे वो अपनी बाइक में फ्यूल डलवा कर जाए और फ्यूल के पैसे हमसे ले, हमारा एम्प्लॉय, तो हम उसे कन्वेंस एक्सपेंसेस कहते हैं. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? आगे बढ़े, इजाजत है? ठीक है. तो कन्वेंस एक्सपेंस, कन्वेंस चार्जेस के बाद ये जो चार नाम हैं, बेसिकली ये आप इंशाल्लाह बैचलर्स लेवल पर पढ़ेंगे, तो मैं इसको रेड कलर इसलिए कर रहा हूं कि अभी आप यूं समझ लीजिए कि जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये इन तमाम एक्सपेंसेस में से वो तमाम को कैटेगराइज किया जाएगा इस कैटेगरी में जो ऑफिस को ऑपरेट करने से रिलेटेड होते हैं. ये वन लाइन स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं, मैं इसको डिलीट कर सकता हूं, मैं आपको इसे ना पढ़ाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर एक लाइन का स्टेटमेंट सुन के याद रह जाए तो फ्यूचर में कुछ ना कुछ फायदा होगा. दोबारा कहता हूं ये बात, हमने इतने सारे एक्सपेंस पढ़े ना, ये कोई अलग से एक्सपेंस नहीं है, पहले ये क्लियर कर लो. लाइक ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक खर्चा है, कन्वेंस एक्सपेंस एक खर्चा है, यूटिलिटी एक्सपेंस एक खर्चा है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस एक एक्सपेंस है. ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंस. यस और नो? एग्री? ठीक है. अब मैं कह रहा हूं जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, बेसिकली इट इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्सपेंस, इट इज बेसिकली अ नेम ऑफ कैटेगरी, अ नेम ऑफ ग्रुप. क्लियर? और इस ग्रुप में कौन से एक्सपेंसेस, यहां से सारे एक्सपेंसेस आते हैं सर, कौन से आते हैं? एग्जैक्टली, हमने तमाम एक्सपेंसेस को कैटेगराइज कर दिया दो कैटेगरी में. और अगर प्रैक्टिकल लाइफ में और बैचलर्स से आगे के लेवल का थोड़ा सा बताऊं, तो फिर ये चार कैटेगरी है, जर्नल एक्सपेंस अलग, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग, सेलिंग अलग, मार्केटिंग अलग. लेकिन आप अगर इस लेवल पे सिर्फ इतना भी सुन लें कि जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आर बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ अ ऑफिस, द एक्सपेंस विच यू इनकर्ड टू ऑपरेट योर ऑफिस, टू रन योर ऑफिस, टू रन योर ऑफिस अफेयर्स आर कॉल्ड जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. And what are the selling and marketing expense? Those expenses which promote, which help to increase your sale, which promote your sales are called selling and marketing expense. अब selling and marketing में क्या क्या आ सकता है? आप अपने Manail is unable to join the class. Zoom app is showing error. Trishan is to join the class with me on Melbourne. ओके, ठीक है. तो अमल, आपने कब ज्वाइन की मेरी क्लास? जी बिल्कुल एमन, एमन एडवर्टाइजिंग जो है अ टाइप ऑफ सेलिंग एंड मार्केटिंग, बट हमें कैटेगराइज नहीं करना. हम फर्स्ट ईयर के लेवल पर ये नहीं सिखाते स्टूडेंट को. अगर मैंने ये यहाँ लिख दिया है तो इसलिए लिखा है ताकि आपके पास ये स्टेटमेंट जो मेरा बनाया हुआ ये चीज आपके पास होगी, ये इन फ्यूचर भी आपको फायदा पहुंचाएगी. तो एक तरीके से मेरा ये स्टेटमेंट, मेरा ये काम आप सबके लिए अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या बन गया. चलें देखता हूं आप कितनी अकाउंटिंग आ गई मेरे बच्चों को. मेरी ये सारी एफर्ट्स अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए क्या बन गई है? अब आपकी जबरदस्त, वेरी गुड, जहीन हो गए मेरे बच्चे. ये सब रिसोर्सेज है ना आपकी, इनसे आप क्या कर रहे हैं?
ये सारी, ये जो मैंने आपको जो कुछ यानी ये मैंने आपको दिया, इसके अलावा मैंने इसको कॉपी भी किया वहां पे, ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज प्रेजेंटेशंस विच आर शेयर्ड बाय योर टीचर्स, दीज आर रिसोर्सेस, आप इनसे बेनिफिट ले रहे हैं, तो ये आपका क्या बन गया, एसेट। और अगर मैं बात करूं तो मैं कहता हूं कि आपको इसमें से कुछ चीजें जानने को मिलेंगी सेकंड ईयर में, कुछ चीजें बैचलर्स में भी आपको पढ़ने को मिलेंगी, तो फिर ये तो कौन सा वाला एसेट हो गया, मेरा वाला। ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं हो रही, क्योंकि हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर के बाद ये एक्सपेंस नहीं होगा। तलाल बिन आमिर साहब, मैंने अर्ज किया कि आपको ये मेरा फॉर्मेट फर्स्ट ईयर के बाद भी पहुंचाएगा। सर इसमें मैंने सेकंड ईयर की चीजें लिखी हुई हैं, सेकंड ईयर में भी ये फॉर्मेट आपको फायदा पहुंचाएगा। जब आप सेकंड ईयर में चीजें पढ़ेंगे, आपको टीचर बताएगा कि प्रीमियम और रिडेम्पशन की नेचर लाइबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नॉन करंट एसेट होता है। तो आप इस फॉर्मेट से चेक कीजिएगा कि सर इमरान ने ऐसे ही लिखवाया था, आपको याद आ जाएगा। उस वक्त आपको समझाया जाएगा कि वाई दिस इज इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। अभी हमने आपको लिख के दे दिया है, तो इसका मतलब है इसका बेनिफिट आपको बाद में भी मिले, इस फॉर्मेट का, इस ये जो मैंने चीज रिसोर्स प्रोवाइड किए, इसके बेनिफिट लॉन्ग टर्म है। ओके, थैंक यू सो मच। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेंसेस कंप्लीट हो गए, ठीक है। और अदर एक्सपेंसेस इज अ वर्ड सिंपल विच शोज एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस, तो इसका कोई नाम नहीं है, ये इन सिंपल वर्ड इट इज द अनदर नेम ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस। ओके, द लास्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रा एक्सपेंसेस। अब कॉन्ट्रा एक्सपेंसेस क्या है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्ट्रा का वर्ड तो अब क्लियर हो गया पूरी क्लास को। अभी हा, आर यू देयर? जी, कॉन्ट्रा एक्सपेंस को डिफाइन करें, अनम्यूट करें अपने माइक को। यस सर। मेरा बच्चा सर कॉन्ट्रा जी, एक्सपेंसेस आर दोज विच आर अगेंस्ट द एक्सपेंसेस, सो मे बी दे इंक्रीज आर एक्सपेंस और राइट, चलें। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। आपने कहा, बस मुझे सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट चाहिए था, आपने दे दिया, थैंक यू सो मच मेरा बेटा। देखें, आपने कह दिया कि कॉन्ट्रा एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस विच आर अगेंस्ट, बेसिकली दिस इज नॉट, दीज आर नॉट एक्सपेंस, दीज आर अगेंस्ट द एक्सपेंसेस। फातिमा, एसेट कहां से ले आई? यस, कॉन्ट्रा मीन अपोजिट, यस। तो अब ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा डिफाइन किया तहा नईम साहब आपने, बहुत अच्छा डिफाइन किया, लेकिन जरा कंडीशन सुन लीजिएगा ताहा नईम साहब। आप सैयदा जहरा, ये एक्रूड कहाँ से लिख दिया मेरा बेटा? एक्रूड माने तो वाजिब होता है, और वाजिब की दो डायरेक्शन होती हैं, या तो पैसे लेना वाजिब है या फिर पैसे देना। द अकाउंट इज टिपिकली यूज व्हेन अ कंपनी इनिशियली पेज फॉर एन एक्सपेंस आइटम एंड दैट इज रिइंबर्स्ड बाय थर्ड पार्टी फॉर समवन, सो ऑल ऑफ दिस इनिशियल आउटले। ऐसी खतरनाक खतरनाक डेफिनेशन एमन ना निकालो गूगल से, सही है, यहीं पढ़ लो मुझसे, बस छोड़ो गूगल वूगल। अच्छा चलो, अब मैं बताता हूँ क्या है। देखो, आप किसी एक्सपेंस को डिक्रीज करने के बजाय एक अलग से अकाउंट बना लेते हो। ताहा नईम ने डेफिनेशन ये दी थी और बेहतरीन डेफिनेशन लगी, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग एक्सपेंसेस वी मेक अनदर हेड, जबरदस्त बात। हम अपने किसी एक्सपेंस को डिक्रीज करने के बजाय एक और, जैसे हम यहाँ अपने एसेट को डिक्रीज करने के बजाय, हम ट्रेड रिसीवेबल को कम करने के बजाय, हम फर्नीचर बिल्डिंग मशीनरी को कम करने के बजाय एक अकाउंट बनाते थे जो हमारे एसेट की वैल्यू को कम भी कर देता था, और हमारे एसेट की ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल नजर आती थी, और इस अकाउंट के जरिए हमें पता चल जाता था कि हम उसकी कितनी वैल्यू को डिक्रीज कर चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह कॉन्ट्रा इनकम, याद आया, सेल्स रेवेन्यू, हम कितनी सेल्स कर चुके हैं हमें सेल्स के अकाउंट से पता चल जाएगा। बट हाउ मच अमाउंट हैज बिन रिटर्न, हाउ मच गुड्स हैव बिन रिटर्न बाय द कस्टमर, इफ द ओनर ऑफ बिजनेस वांटेड टू नो द अमाउंट ऑफ रिटर्न बाय कस्टमर, देयर इज एन अकाउंट
which is called sales return and allowance account. Is it clear to all? तो बिल्कुल इसी तरह सारे एक्सपेंसेस को कम करने के लिए अकाउंट नहीं बनाया प्यारे बच्चों, समझ रहे हो? जैसे कॉन्ट्रा एसेट्स में सारे एसेट को थोड़ी रिड्यूस करने के लिए हमने अकाउंट बनाए, सिर्फ दो के लिए बनाए, एक ट्रेड रिसीवेबल के लिए अलाउंस फॉर बैड डेट्स और एक नॉन करंट एसेट्स इनटेंजिबल एसेट्स के लिए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। इसी तरह कॉन्ट्रा रेवेन्यू जो बनाया वो सेल्स रेवेन्यू के अगेंस्ट बनाए, तो बिल्कुल इसी तरह कॉन्ट्रा एक्सपेंस भी सारे एक्सपेंसेस के अगेंस्ट नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सर फिर किस चीज के अगेंस्ट है? सबसे पहला एक्सपेंस क्या था बोलो? सबसे पहला एक्सपेंस था ये पार्टिसिपेशन, पूरी क्लास की चाहिए मुझे, ये याद रहे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, इसका मतलब है पूरी क्लास मुझे बता रही है। सबसे पहला एक्सपेंस क्या था महानूर? यस सर, नहीं मुझे बताना था ये पहला एक्सपेंस क्या है। यस सर से पहले आपने लिख के भेजा था? नहीं ना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये बात कि आप पार्टिसिपेट जरूर किया करें, जरूर और जरूर, लेकिन शायद आप लोग इस बात को सीरियस नहीं लेते बिल्कुल। तो बेटा लिख के भेजना है ना आपने मुझे, आपको एक्सपेंस में पहला एक्सपेंस नजर आ रहा है कुछ लिखा हुआ? तो इसका मतलब है पार्टिसिपेशन तो नहीं है। यस यस मिस, मिस अमरीन, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, ठीक है, ओके प्यारे बच्चों। सो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्ट्रा एक्सपेंस क्या होते हैं हम इस पे बात कर रहे हैं, और पहला एक्सपेंस आपने मुझे बताया परचेजेस था। अब परचेजेस क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड परचेजेस? अबीर प्लीज अनम्यूट योर माइक। जी सर, परचेजेस को डिफाइन कर दें। Please repeat, sir. Please explain the word purchases. Sir, purchases is equals to खरीदारी, किसी किस्म की खरीदारी. In the terms of counting, the purchase of merchandise for resale purpose is known as purchase. Okay, thank you so much. So, thank you so nice of you. So, it means when you purchase goods, please don't share the common definition. Share the definition in context of accounting, in context of business. अब हम एक आम इंसान के अंदाज में बात नहीं करते, keep in mind, सही है? अब हमारे बात करने का अंदाज क्या होता है? अब हम हमेशा बात करते हैं in context of business. So, purchase means you are purchasing goods, merchandise for reselling purpose. So, if the goods you purchase if our substandard, below standard, are defective, so what you are going to do with those goods? No, Tariq Azam sahab. Hum purchases ki terminology istemal karte hain, Tariq Azam sahab. Hum purchases ki terminology istemal karte hain merchandise ko khareedne ke liye. और ट्रेड एक बहुत बड़ा लफ्ज है जो कि एक बिजनेस की टाइप को शो करता है। ट्रेडिंग बिजनेस बेसिकली खरीद कर बेचने वाला बिजनेस है, ठीक है? और अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में परचेज एक अकाउंट है बेसिकली, विच शोज द इनफ्लो ऑफ गुड्स इन योर बिजनेस। गेटिंग माय पॉइंट तारिक आजम, इज इट क्लियर? ओके, सो my dear students, when you return those goods to, you return those goods to whom?
Maham, we will return the goods which are defective. To whom we are going to return the goods? Yes. Abir. ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू दिया आपने? ये किसके लिहाज से बता रहे हैं तारिक आजम साहब? आप मुझे सेलर के पर्सपेक्टिव के लिहाज से बता रहे हैं? महम, आपने भी सेलर का वर्ड यूज किया? वेल, द करेक्ट आंसर इज सप्लायर. अक्सा, द प्रॉपर आंसर इज सप्लायर. फ्रॉम होम वी परचेज गुड्स इज कॉल्ड सप्लायर. द मैन हु The man from whom we purchase goods, जी supplier होता है ना. Thank you. तो supplier को जब हमने सामान merchandise वापस की तो हमने उसके लिए terminology इस्तेमाल की. क्या? Purchase, return and allowance. It is also called return outward. अगर आपको return inward याद है तो फिर return outward समझाने की जरूरत नहीं है. Return inward में goods हमारे ward में, goods हमारे office में, goods हमारे stock room में वापस आ रही थी. Those goods which we have sold, but in this case goods are going out from our office. ठीक है, क्लियर है? परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का दूसरा नाम क्या? रिटर्न आउटवर्ड. ओके, द नेक्स्ट वन इज परचेज डिस्काउंट. इट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रा एक्सपेंस. सर, कॉन्ट्रा क्यों है ये? बहुत सिंपल सी बात भाई, जब हमने मर्चेंडाइज परचेज की, जब हमने मर्चेंडाइज परचेज की तो हमने सप्लायर से 1000 रुपीज की मर्चेंडाइज परचेज की और सप्लायर ने हमें 1000 रुपीज पे करने की इंस्ट्रक्शन दी. हमने कहा इंशाल्लाह हम आपको विद इन 30 डेज पे कर देंगे. एग्री? तो हमने जब उससे 1000 रुपीज की गुड्स ले ली और अपने ऑफिस ले आए तो हमने अपने पास इस बात को नोट किया होगा. डू वी रिकॉर्ड दीज टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इन अवर जर्नल्स, इन अवर बुक्स? यस. तो हमने इसे अपने बुक में लिखा होगा. अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमने इसे अपनी बुक में नोट किया है, लिखा है, तो अब कितने रुपए लिखा है? परचेजेस कितने रुपए नोट हुई बताओ? थाउजेंड रुपीज की नोट हुई. और व्हेन वी पे टू सप्लायर विद इन 10 डेज, सप्लायर गिव अस 50 रुपीज डिस्काउंट. तो अब मुझे बताओ, हमने एक्सपेंस 1000 रुपीज रिकॉर्ड किया था क्योंकि हमने गुड्स 1000 रुपीज की खरीदी थी, बट 50 रुपीज हमें सप्लायर ने क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया. तो दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड परचेज डिस्काउंट, बिकॉज हमने तो खरीदा था ना. तो हम अपने बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे हमने खरीदा तो हमें खरीदने की वजह से मिला डिस्काउंट. परचेज डिस्काउंट और डिस्काउंट इनकम. एंड द लास्ट वन इज Discount received. Is it clear to everyone? Exactly. हम 50 रुपीज डिस्काउंट लिखेंगे और उस 50 रुपीज डिस्काउंट का नाम होगा, माई डियर स्टूडेंट्स, परचेज डिस्काउंट और डिस्काउंट इनकम और डिस्काउंट रिसीव. एमन, आपने कहा सर हमें तो नहीं मिलेगा ना डिस्काउंट, तो मेरा बेटा फिर किसे मिल रहा है? पेमेंट कौन कर रहा है? सामान किसने खरीदा? बताइए एमन. हाँ, अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं हमें हमेशा तो नहीं मिलेगा डिस्काउंट. डेफिनेटली जब हमें सप्लायर ऑफर करेगा तभी हमें डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज तो हम, यानी हम उससे जो है वो जबरदस्ती तो नहीं कह सकते भाई डिस्काउंट दो. अगर वो हमें ऑफर करेगा कि आप मुझे विद इन 10 डेज पे करेंगे, विद इन 8 डेज पे करेंगे, देन आई विल गिव यू 2% डिस्काउंट, अदरवाइज यू हैव टू पे विद इन 30 डेज. तो अब 30 डेज में आप उसे कभी भी पे कर दो, आप उसे 29th डे पे कर दो, 38th डे पे कर दो, 20th डे पे कर दो, बट इफ यू पे टू द सप्लायर विद इन 8 डेज और 10 डेज द पीरियड विच मेंशन बाय द सप्लायर, in that case you receive an allowance, you receive a discount, and that discount is called purchase discount, and that amount is also can be treated as your income.
एंड इन दिस केस यू आर रिसीविंग द डिस्काउंट. जब हम पैसे देते हैं, एमन बहुत सिंपल जुमला कह रहा हूं, जब हम पैसे देते हैं तो हम डिस्काउंट, कंप्लीट करो, जब हम पैसे देते हैं तो हम डिस्काउंट लेते हैं. कितना सिंपल है, वेरी गुड. ओके, एंड व्हेन वी रिसीव मनी फ्रॉम कस्टमर वी अलाउड, तो हम उसे डिस्काउंट देते हैं. एग्जैक्टली, जबरदस्त. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हम हेड ऑफ अकाउंट्स, लिस्ट ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, एक बहुत बड़ा टास्क हम कंप्लीट कर चुके हैं SL01 का. अगर हमें ये पता चल गया, इफ वी नो दैट व्हाट आइटम्स, व्हाट अकाउंट्स बिलोंग टू एसेट्स, व्हाट अकाउंट बिलोंग टू लायबिलिटीज एंड व्हाट अकाउंट बिलोंग टू एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, बिलीव मी अल्लाह के हुक्म से आपको अकाउंटिंग समझ आएगी. बट अगर आपको चीजें नहीं पता है, मैं आपसे पूछता हूं कि ट्रेड पेबल कहां कैटेगराइज करेंगे, और आप सोचते रहते हैं बैठे हुए, क्योंकि आपको ये ही नहीं पता, खुदा ना खास्ता, कि व्हाट इज ट्रेड पेबल, तो फिर समझ लीजिए कि मसला है कश्मीर है, फिर मुश्किल हो जाएगी जिंदगी. तो एक टास्क कंप्लीट हुआ, अब एक छोटा सा टास्क और है, लेकिन उसे हम आज परफॉर्म नहीं करेंगे. एंड दैट टास्क इज बेसिकली रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उस पर आऊंगा, लेकिन अभी मैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ाने से पहले, हमने ये जो हेड ऑफ अकाउंट्स है इसे कंप्लीट करने से पहले, इसे पढ़ने से पहले हमने पढ़ी थी अकाउंटिंग इक्वेशन. रिमेंबर अकाउंटिंग इक्वेशन, याद है सब बच्चों को? तो अब मैं क्या करने लगा हूं, पहले मैं एक छोटी सी बात ऐड कर रहा हूं यहां पर, जरा वो सुन लें, और उसके बाद SLO में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन अच्छा है कि अगर आप सुन लें और आपको याद रह जाए तो बेहतर है. ठीक है, एक छोटी सी बात है, हमने अकाउंट्स कितने तरह के पढ़े आप बहुत अच्छे से जानते हैं. बीमारी का नाम था, है सर, लोग परेशान ना हो, बीमारी क्या है, अकाउंटिंग में बीमारी है. वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, जबरदस्त. अरीबा जरा अनम्यूट करके बीमारी का नाम लें, बाकी सबने लिख के बताया, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू. जी अरीबा, आर यू देयर? अरीबा कैन यू हेयर मी? माइक वर्क नहीं करता आपका, तो गैजेट्स को रेडी करना सर इमरान की जिम्मेदारी है. मेरा बच्चा ये तो आपका काम है ना कि आप अपने माइक को प्रॉपर रखें. मैं ये सॉरी के लिए थोड़ी मैंने आपसे बोला है ना, हम आपसे सॉरी करवाना चाहते हैं, हम तो आपका माइक प्रॉपर चाहते हैं कि आप जब आपसे बात करें तो आप अपने आंसर्स हमसे शेयर करें. देखें, अब मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं अरीबा, नेक्स्ट टाइम ये एक्सक्यूज मत दीजिएगा, मैं पहले भी आपकी ये बात सुन चुका हूं. प्लीज मेक श्योर दैट ऑल योर गैजेट्स आर इन प्रॉपर ऑर्डर, इन वर्किंग ऑर्डर, प्लीज मेक श्योर, इट इज रिक्वेस्टेड टू ऑल, थैंक यू सो मच. So basically there are five head of accounts called ALSR, asset, liability, capital, expense and revenue. So any idea about real accounts and nominal accounts? We are going to categorize these five head of accounts into these two categories. One is real accounts and the other one is nominal account. Any idea about real accounts or nominal account? Students having accounting background may share their thoughts. Abir, Aksa, any idea? Shahir, any idea? Okay. मशहूद, आपका मैसेज मुझे समझ नहीं आया. एमन, गूगल बाबा से पूछ के मत बताना भाई प्लीज, ठीक है मशहूद? ओके प्लीज शेयर कीजिए मशहूद. सर
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीते रहिए, कैसे हैं आप बेटा? बिल्कुल सही सर। सर रियल रियल जो होता है वो मतलब एक्चुअल अकाउंट होता है, और नॉमिनल जो होता है वो प्लान्ड होता है बेसिकली। अच्छा, तो क्या कोई पर्पस होता है ये रियल एक्चुअल अकाउंट और ये प्लान्ड अकाउंट का कोई पर्पस होता है? सर नॉमिनल जब मतलब कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी कंपनी सेट करती है उनको टारगेट कि इस इधर तक पहुंचना है। अच्छा, और रियल तो मतलब वो बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू ही अच्छा, होता है। ओके चले, आपने आपने जो बताया, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। अब अच्छा, मुझे और भी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, मैं जरा शेयर कर लूं। रियल अकाउंट्स रिकॉर्ड द डेटा, तो बाकी फिर रिकॉर्ड नहीं करते। अक्सा सेड टू डिटरमाइन नॉमिनल अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंस। ओके मिल गया, इसका मतलब है लोगों को गूगल बाबा ने बहुत हेल्प की है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलें। दीज अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू एसेट और प्रॉपर्टी, दे आर क्लासिफाइड टेंजिबल रियल अकाउंट एंड टेंजिबल रियल इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अरमान सेड नॉमिनल अकाउंट समराइज द डेटा। तलाल बिन आमिर सेड रियल अकाउंट में एसेट लाइबिलिटीज आते हैं। तहा नदीम सेड और टेम्परेरी क्यों होते हैं, बनते भी क्यों हैं और टेम्परेरी होते क्यों हैं? बिकॉज एवरी बिजनेस, द पर्पस ऑफ एवरी बिजनेस इज टू कंप्लीट माई सेंटेंस, द पर्पस ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न। Very good, very good, excellent. The purpose of every business is to earn profit or loss. Loss? No. Very good, excellent. The purpose of every business is to earn profit. Exactly. तो अगर हर business का मकसद मुनाफा कमाना है तो पता कैसे चलेगा business को profit हुआ? Alhamdulillah, up to now we have studied 5 types of account, 5 head of accounts. So my dear student, ji Mohammad Shoaib sahab, please, do you have any question? Fatima Zahra, aapne to kal bhi ye mistake ki hui thi, aaj kaise khayal aa gaya aapko? ओके मनाइल ज़हरा, नॉमिनल अकाउंट एंड बाय द एंड ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड लाइक बैंक दिस ईयर कैलकुलेटेड द प्रॉफिट लॉस ऑन 30th June। ओके मनाइल, थैंक यू सो मच बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, डू यू रिमेम्बर दैट हाउ टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस? एनी आइडिया? नो प्रॉब्लम फातिमा, इट्स ओके, ट्राई टू गिव मी आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। डू यू रिमेम्बर हाउ टू डिटरमाइन? थैंक यू तलाल, थैंक यू सो मच, थैंक यू माहम। माहम यू सेड टोटल एसेट्स। शास अकाउंटिंग क्या, आपने क्या जवाब दिया मेरा बेटा? थ्रू फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट लॉस निकालते हैं तो कैसे? आपने पढ़ा नहीं है सैयदा जहरा जी? थैंक यू फातिमा, थैंक यू तारिक आजम साहब, थैंक यू अबीहा, वजीहा, किधर चला गया है आप लोगों का दिमाग? भाई बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैसे मालूम करते हैं? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस क्या हो गया आप लोगों को? अकाउंटिंग इक्वेशन भूल के बैठे हैं सब लोग, असाइनमेंट बना बना के जमा करा दिए लेकिन ये नहीं पता कि प्रॉफिट कैसे निकलता है। पूरी क्लास एक पेज पे क्यों नहीं है? पूरी क्लास की बात कर रहा हूँ, किसी का नाम लेके पॉइंट आउट नहीं कर रहा मैं, पूरी क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। सब लोग जवाब ही नहीं दे रहे पहली बात तो। हम ना आरिफ, आर यू देयर? आयशा, आपने हम ना जवाब दिया, मुझे आंसर शेयर किया आपने जी, हम ना आपसे पूछ रहा हूं तो कौन करेगा? मैं करूंगा क्या? मतलब क्लास में पार्टिसिपेशन के लिए क्या तरीका होना चाहिए आपको, आप लोगों के साथ? Don't you know how to participate in the class? Don't you know how I mark your attendance? Ilyan saab, aapne answer share kiya apna?
मानूर उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया आपका बेटा मेरे पास, नूरुलैन आपने भी आंसर शेयर नहीं किया बेटा मेरे साथ कोई, राविया आपने भी कोई शेयर नहीं किया आंसर, समर आर यू इन क्लास, आर यू देयर, शीजा, सैयद अब्दुल्ला शाहिद, जहरा आपने भी बेटा आंसर शेयर नहीं किया आज, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने आंसर शेयर नहीं किए, और देखें पार्टिसिपेशन नहीं होगी आपकी तरफ से तो फिर फायदा नहीं है। ठीक है बेटा, नहीं सर अगर आप लोग आराम फरमा रहे हैं तो आप आराम फरमा लें, अब मेरे पास रिपीट का टाइम नहीं है, इस तरह से बड़ी माजरत चाहता हूं मैं आप लोगों से, इस तरह थोड़ी होता है आप लोगों को मैं जगाऊंगा उठा उठा के, आप लोग अपनी जिम्मेदार, आप लोग मतलब ये इस पैराडाइम से सब लोग गुजर रहे हैं, मैं अकेला थोड़ी गुजर रहा हूं, आप लोगों को चाहिए फोकस करें पढ़ाई की तरफ। आपकी पार्टिसिपेशन कितनी है समर क्लास में, आपने कितने मैसेज किए आज क्लास में, जरा अनम्यूट करें अपने माइक को, मैं एक एक स्टूडेंट का नाम लूंगा तो वो पार्टिसिपेट करेगा क्लास में। जी समर माइक अनम्यूट करने में कितना टाइम लगता है बेटा, समर कैन यू हेयर मी, जी मैंने आपसे कहा अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। बेटा मेरी क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है, आप माइक अनम्यूट कर रहे हैं, नहीं हो रहा, इसका मतलब है आपको माइक अनम्यूट करना ही नहीं आता, आप क्लास में पढ़ते ही नहीं है, आप क्लास में होते ही नहीं है, तो आपको ये भी नहीं पता कि माइक अनम्यूट कैसे होगा। रिजा जरा माइक अनम्यूट करें बेटा। जी सर। ये प्रॉफिट और लॉस कैसे मालूम करते थे बिजनेस का, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट होता है। बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब है जब आपको प्रॉफिट पता चल गया तो अब खुद सोच के बताएं क्या रेवेन्यू आप किसी काम के रहे, क्या एक्सपेंस आप किसी काम के रहे, आपने क्या डिटरमाइन कर लिया। तो जब प्रॉफिट या लॉस पता चल गया, अभी भी देख लें कि लोग शेयर नहीं कर रहे हैं अपने आंसर्स। ठीक है, तो अब तरीका ये होगा, इस क्लास में मैं पहले बता दूं सेकंड क्लास के अटेंडेंस मार्क होगी आपकी पार्टिसिपेशन की बेसिस पर। ठीक है, इस क्लास की जो अटेंडेंस मार्क होगी वो आपकी पार्टिसिपेशन की बेसिस पर होगी। तो समर साहब आपको माइक अनम्यूट करना आया या नहीं आया अभी तक, चलें जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जी आ गया, अब कुछ बोलेंगे ना तो आवाज भी आएगी, अनम्यूट करना आ गया आपको माशाल्लाह, टैप करें उस पर अनम्यूट हो जाएगा, अगर आप मोबाइल या टैबलेट यूज कर रहे हैं तो उस पर टैप करें माइक पे, अनम्यूट हो गया था। जी आवाज आ रही है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। सर सर आपके मैसेजेस रिसीव नहीं होते हैं मुझे। सर आई वाज कंटीन्यूअसली डूइंग बट अभी थोड़ी देर से नहीं कर रहा हूं मैसेज। तो आपने पिछले यूनिट में मुझे मैसेज किए हैं? जी सर, अटेंडेंस भी मार्क कराई थी और बाकी सब सवालों के जवाब भी दिए थे। मेरा बेटा अटेंडेंस तो डेफिनेटली आप मार्क करवाते हैं, अगर अटेंडेंस मार्क नहीं करवाते तो मैं आपसे कहता कि आप एब्सेंट होते हैं मेरी क्लास में। बट मेरा बच्चा देखो मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है मैं क्लास में बात तो करूंगा ना, अब जब मैं बात करूंगा तो मैं नाम लेके बात करूंगा कि मैं समर से बात कर रहा हूँ, मैं अबीर से बात कर रहा हूँ, मैं एमन से बात कर रहा हूँ, तो आप ये मत समझो कि मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सब बच्चों से इंक्लूडिंग यू कि देखो क्लास में पार्टिसिपेट करोगे तो इंटरेक्टिव सेशन होगा, बोरियत नहीं होगी, फिर कुछ सीखने को भी मिलेगा। लेकिन जब आप पार्टिसिपेट नहीं करते ना तो इसका मतलब ये होता है कि आप दूसरे एंड पे बैठे हुए पता नहीं पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। देखें जब आप हमारे साथ फिजिकली क्लास में होते थे या होंगे इंशाल्लाह, तो उस वक्त
डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं भी आपकी तरफ मुतवज्जा होऊंगा, आप भी मुझसे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप बिल्कुल खामोशी से दूसरे एंड पे बैठे हुए तो मुझे कैसे पता चले इसी तरह ना मेरा बेटा कि मैं आपसे बात करूं, आप मुझे रिप्लाई करें, इसके अलावा और क्या तरीका है? अगर आपके पास कोई तरीका है, इफ यू नो एनी पर्टिकुलर मेथड तो मुझसे शेयर करें, मैं अंदर वो वाला इंप्लीमेंट कर लूंगा। मैं कहूंगा चलो भाई मैं अपने बच्चों को तंग नहीं करूंगा, मैं उन्हें अनम्यूट करने को नहीं कहूंगा और वो अपनी थॉट मुझसे शेयर करें। आप मुझसे मैसेज पे भी बात नहीं कर रहे, तो आप मेरी बात समझ रहे हैं समर कि नेक्स्ट टाइम आप तो इसको प्लीज पर्सनल ना लें। मैं आपको पॉइंट आउट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए मेरा एक एक बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, लेकिन बस मैं पार्टिसिपेशन चाहता हूँ। मैंने आपका नाम भी लिया था आज, मैंने महानूर का नाम भी लिया था, ठीक है, नूरुलैन का नाम भी लिया। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। चलें बहरहाल आई होप समर अब आप पार्टिसिपेट करेंगे, चलें आगे बढ़ता हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज क्लियर टू ऑल। जी सर तो आप कहाँ थे तारिक आजम साहब अटेंडेंस के वक्त, ये तो आपको पता होगा ना आप कहाँ थे। जी तो टेम्परेरी अकाउंट है प्यारे बच्चों, एक्सपेंस एक्सपेंस एंड रेवेन्यूज बेसिकली आर टेम्परेरी अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट विच आर क्लोज एट ईयर एंड। सर ये क्या बोलते हैं आपने, विच आर क्लोज एट ईयर एंड, क्लोज हो जाते हैं ये अकाउंट। नॉमिनल का मतलब यही तो होता है, टेम्परेरी का मतलब यही तो होता है, दोस अकाउंट विच वी क्लोज एट ईयर एंड। सर क्यों क्लोज क्यों करते हैं ये बताएं। मेरा बच्चा जब ईयर एंड पर आपने बिजनेस का क्या मालूम कर लिया, प्रॉफिट या लॉस, तो अब वो एक्सपेंस रेवेन्यू किसी काम के नहीं है, तो उन्हें एक ईयर से दूसरे ईयर में शिफ्ट करने की जरूरत, उन्हें एक ईयर से दूसरे ईयर में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस ईयर के एक्सपेंस को नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर देंगे तो नेक्स्ट ईयर भी आपको एक्सपेंस ज्यादा नजर आएंगे। जी तारिक आजम साहब रिकॉर्डिंग से मुतालिक आप क्या बात कर रहे हैं, जी फरमाइए। जी अब्दुल्ला शाहिद साहब आपका शुक्रिया, तो मैं बस अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। अली मोहम्मद साहब आप क्लास में हैं, सर आप क्लास में हैं, आरिफा आप क्लास में हैं, आरिफा आरिफा आर यू देयर। जी बिल्कुल थैंक यू सो मच। तो बस मैंने आपसे यह अर्ज किया कि एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रही हैं फातिमा। तो बात यह है ईयर एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर लेते हैं। अच्छा बैंकिंग ना बिल्कुल ही डिफरेंट है फातिमा, आपने बैंकिंग की बात तो कर दी, डेफिनेटली आपका कोई रिलेटिव या हो सकता है घर का कोई फैमिली मेंबर जो उसका ताल्लुक हो बैंक से। बैंक वाहिद एक इदारा है क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स होते हैं, उन्हें बहुत सारी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, तो बैंक इज द ओनली इंस्टीट्यूशन जहां पर टू टाइम्स क्लोजिंग होती है इन अ ईयर, एक जून 30th पर और एक दिसंबर 31st पर। इसी वजह से आप सब जानते हैं कि ऑन जुलाई 1st एंड ऑन जनवरी 1st बैंक जो है वो पब्लिक डीलिंग के लिए ऑफ होता है क्योंकि वो क्लोजिंग कर रहे होते हैं। बैंक हॉलीडे होता है जून 30th को नहीं होता, जुलाई 1st को होता है एंड जनवरी 1st को होता है, दिसंबर 31st को भी नहीं होता। ओके तो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज क्लियर टू ऑल दैट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू आर नॉमिनल एंड टेम्परेरी अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स आर एसेट लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, दीज आर रियल अकाउंट। ये एक ईयर से दूसरे ईयर में ट्रांसफर होते हैं और जब तक बिजनेस चलता रहता है नॉर्मली ये भी मूव होते रहते हैं एक ईयर से दूसरे ईयर में। सर क्या मतलब समझ में नहीं आया भाई, अगर आपके पास इस ईयर के एंड पर फर्नीचर मौजूद है बिजनेस में तो क्या नेक्स्ट ईयर वो फर्नीचर मूव नहीं होगा, क्या नेक्स्ट ईयर वो फर्नीचर बिजनेस में नहीं होगा, क्या आप उसे क्लोज करके खत्म करके आग लगा देंगे और बोलेंगे अगले साल नया फर्नीचर होगा? अगर आपने किसी से इस ईयर के एंड तक पैसे लेने थे, यू हैव अ राइट टू कलेक्ट अमाउंट फ्रॉम मिस्टर सी, यू हैव अ राइट टू कलेक्ट एन अमाउंट फ्रॉम मिस्टर सी, ठीक है, तो अगर वो राइट है और ईयर एंड तक आपको वो राइट के अगेंस्ट अमाउंट रिसीव नहीं हुई तो अब वो अमाउंट कब रिसीव होगी, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो क्या राइट रिमूव हो गया, राइट खत्म हो गया, राइट ट्रांसफर हो गया? नहीं, राइट यू हैव दैट राइट अंटिल यू रिसीव अंटिल यू कलेक्ट अमाउंट फ्रॉम मिस्टर सी। इसका मतलब है राइट एक ईयर से दूसरे ईयर में क्या हो रहा है, ट्रांसफर, लाइबिलिटी एक ईयर से दूसरे ईयर में होगी ट्रांसफर। योर ओनर इक्विटी, आप जितने के बिजनेस में इस ईयर ओनर थे क्या नेक्स्ट ईयर आप उतने रुपए के बिजनेस में ओनर नहीं होंगे? एग्जैक्टली अबीर आपको क्लियर है बेटा ये बात, अबीर
ये बात क्लियर है बेटा? जी सर क्लियर है। वेरी गुड वेरी गुड। ओके अच्छा, इसमें और भी डिटेल होती है लेकिन उस तरफ मैं जानबूझ के नहीं गया, वो होती है पर्सनल और इम्पर्सनल, ठीक है, लेकिन उस तरफ नहीं गया। पर्सनल जो है वो रियल के अंदर ही आ जाते हैं, तो हम फिलहाल उस तरफ नहीं जा रहे। आपको इतना आइडिया हो गया, इनफ है। अच्छा अब मेरे पास टाइम खैर कम है, लेकिन मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ एक और चीज, और वो है ये जनाब अली। क्या मुझे ट्रांजैक्शन इस क्लास को डिफाइन करने की जरूरत है? सब बच्चे जानते हैं व्हाट इज ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। आयशा अब्दुल गफार नहीं है आज क्लास में? आयशा ओके। मनाहिल, मनाहिल जहरा नहीं, गलत, मनाहिल जहरा का नाम गलत ले रहा हूं। ओके वो थी जनाब 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 सैयद अमल आसिम जैदी, सैयद अमल आसिम। जी अनम्यूट करें अपना माइक। यस सर। अच्छा मेरा बच्चा अनम्यूट कर लिया आपने माइक, थैंक यू। तो सबसे पहले तो आप आज जूम पर दूसरी आईडी नहीं चल रही, ऐसा ही है? जी सर। अच्छा तो पहले ट्रांजैक्शन का फर्स्ट पैरा पढ़ेंगी, ठीक है? कौन पढ़ेगा? अमल पढ़ेंगी। चलें पढ़ें। A transaction is a particular type of external event which can be expressed in terms of money and brings change in the financial position of a business unit. A transaction involves a transfer of something of value between two or more entities. A transaction may be an exchange in which each party receives as well as sacrifices value. ठीक है, अमल क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन है इसमें? हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये बात। अच्छा अब अमल जरा सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगी, मनाहिल। In other words, in every transaction, there is a movement of value from one source to another. For example, when goods are purchased for cash, there is a movement of goods from the seller to the buyer and a movement of cash from the buyer to the seller. Very good, भाई मनाइल, तुम पढ़ती तो बहुत तेज हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन समझती भी इतनी तेज हो, ये बताओ। जी सर। समझ में आ गया क्या हुआ? Movement of goods हुई, तो seller के पास से goods चली गई और cash buyer के पास आ गया। कैश बायर कैश सेलर के पास आ गया। Yes. बायर से चला गया बोलना। यानी हम किसी एक को फोकस करें तो बोलना आसान हो जाएगा। सेलर के पास से गुड्स गई और कैश आया, और अगर बायर की बात करें तो बायर के पास गुड्स आई और कैश गया, ऐसा ही है? जी सर। अच्छा अब क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन आप लोग अपने पास जो है ना बुक का एक पेज है, मैं पेज नंबर बता के क्लास फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू, आप लोग म्यूट कर लें माइक। थैंक यू सो मच बेटा, आप दोनों का खुश रहिए। और मैं एक पेज नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप लोग ये पेज नंबर लाजमी पढ़ेंगे और कल हम इसको फर्दर यहाँ पे पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन को। और ये पेज नंबर है प्यारे बच्चों, जो आपने लाजमी पढ़ना है खुद, मैं फिर कल इंशाल्लाह शेयर करूंगा आपके साथ। दिस इज पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 ऑफ योर बुक, सही है? इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन पढ़नी है आपने, और इसमें बहुत सारा मत पढ़िएगा, थक जाएंगे। बुक में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, आपने सिर्फ ये दो हेडिंग्स पढ़नी है। नंबर वन इज कैश ट्रांजैक्शन एंड द अदर वन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आसान उर्दू में तो आप फौरन ही समझ जाएंगे, जीपीटी वाला की किताब है सर, तो आसान उर्दू में तो वो तमाम ट्रांजेक्शन जिसमें कैश का इंक्रीज या डिक्रीज कैश इन्वॉल्व हो, और वो तमाम ट्रांजेक्शन जिसमें उधार पर मामला हो रहे हो, वो क्रेडिट है। ओके आप सब रुखसत किस तरह होंगे अटेंडेंस मार्क करने के बाद? तो अबीहा अबीर, पहले आप अपनी अटेंडेंस मार्क करें। अबीहा अबीर ओके। अबीहा अब आप लेफ्ट कर सकती हैं क्लास। फ्रॉम माय साइड फिया मानिल्ला, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और बाकी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करें और लीव करते जाएं आप। अब मैं नाम कॉल नहीं कर रहा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, फिया मानिल्ला। पहले से अब सब सिर्फ अटेंडेंस मार्क करें, अभी अल्लाह हाफिज ना लिखें प्लीज, सब अटेंडेंस मार्क कर दें। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, फिया मानिल्ला, अल्लाह हाफिज फ्रॉम माई साइड, हैव अ नाइस डे, टेक वेरी गुड केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
ओके जी, अटेंडेंस मार्क हो गई, अब आप जा सकते हैं सब लोग। अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस रेनी डे, अल्लाह हाफिज़। माज जाहिद साहब, थोड़ा सा पढ़ाई पे थोड़ा सा तवज्जो दें सर, बड़े अदब से रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। माहिरा नसीम, तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया आज क्लास में, कोई मैसेज नहीं आया मुझे तुम्हारा।